नमस्ते दोस्तों, जीरो डिजिट की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्शंस के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्शन पर क्वेश्चन आते हैं तो ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे फिक्स क्वेश्चन आता है इस पे। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पहले तो डायरेक्शन को हमें आना चाहिए। ये न्यूज़ जो होता है ना, डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये सारी दिशाएं हमें पता होना जरूरी है। देखो, अगर आप इस तरह खड़े हो जाओगे, है ना, आप अगर ऐसे देखोगे सामने, तो ये सारा, ये जब आप इधर देखोगे तो ये हमारे भारत के नक्शा से होगा, जम्मू कश्मीर होता है ना, ये जम्मू और कश्मीर, इस साइड में हमारा होगा नॉर्थ, ठीक है, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में क्या होता है, साउथ होगा, है ना। और दूसरी बात मैं बोलूं कि इस साइड में, है ना, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ गुजरात और महाराष्ट्र है ना, मुंबई वाला साइड, तो ये होगा वेस्ट साइड। यहाँ पे मैं मुंबई लिख दूंगा, या फिर गुजरात और महाराष्ट्र से याद रख लेना। तो ये अगर वेस्ट है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट ये होगा ईस्ट। तो बस अब आपको ये सारी दिशाएं तो पता चल गई, और इनके बीच में जो भी दिशा है ना, उसे भी समझ लो। ये ऊपर जो नॉर्थ है ना, ऊपर क्या है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट, इधर वेस्ट और साउथ के बीच में होगा साउथ वेस्ट, और ये साउथ और ईस्ट के बीच में होगा साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। ये सारी दिशाएं आप अगर समझ जाओगे तो प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो जाती है। चलो इसी पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोटे छोटे, ताकि आप बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सको। देखो, बोलता है ही वॉक्स 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। जैसे ऐसे प्रॉब्लम में बोलेगा ना, तो आपने ऐसे अंदाजे से कोई भी पोजीशन ले लेना। जैसे मैं इस पॉइंट को अपना स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ओके। तो क्या बोल रहा है, ही वॉक्स 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट तो हमने अभी आपको बताया, ये मुंबई की साइड होगा, गुजरात या महाराष्ट्र वाली ना, तो ये 5 मीटर किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो ये चला गया 5 मीटर्स, ऐसा बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो देखो, ये अंदाजे से पॉइंट पकड़ लिया, स्टार्टिंग पॉइंट, तो 10 मीटर गया है नॉर्थ में, तो नॉर्थ कौन सी जगह पकड़नी है आपने, ये जाएगा जम्मू और कश्मीर की तरफ, है ना, तो ये सीधा चला गया ऊपर में, तो ये चला गया 10 मीटर, समझे। नेक्स्ट करते हैं अभी, ही वॉक्स 5 मीटर टू वेस्ट एंड 10 मीटर नॉर्थ। तो देखो, ये अंदाजे से पॉइंट पकड़ लो, क्या बोलता है, 5 मीटर वेस्ट में, यानी मुंबई की तरफ, तो ये चला गया 5 मीटर वेस्ट में। फिर क्या बोला, एंड 10 मीटर नॉर्थ, तो इसे 10 मीटर नॉर्थ भी भेजना है, ठीक है। तो अंदाजे से ये 5 मीटर निकाला है, तो अंदाजे से इसे डबल करके ये 10 मीटर निकाल लेना, ये चला गया नॉर्थ में, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ही टर्न्स राइट। अब देखो, कोई बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, अब बोल रहा है कि ही टर्न्स राइट, तो आपने ऐसा कंसिडर करना है कि आप खुद खड़े हो वहाँ पे, ठीक है, तो आपके राइट में, तो बंदे की राइट ये साइड होगी ना, तो ये वाली राइट साइड होती है, तो राइट बोले तो इधर टर्न होना है आपने, खुद को वहाँ पे रखो, है ना, खुद को वहां पे रखो, ऐसा कंसिडर करो, कल्पना करो कि आप ही चल रहे हो, तो आपके राइट साइड में चलना है। ही टर्न्स लेफ्ट, तो समझ लो ये आप ही हो, आप ही हो, तो आपके लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड तो यही बनेगी, है ना। तो इस तरह से अगर छोटी छोटी चीजें समझोगे तो बड़े बड़े डायरेक्शंस के प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करो पाओगे। कल्पना शक्ति पे जोर देना है, ये सारे प्रॉब्लम कल्पना शक्ति के ऊपर ही चलता है। ही वॉक्स 5 मीटर टू नॉर्थ, तो देखो बंदे को इस तरह कंसिडर कर लो, ये बंदा जा रहा है नॉर्थ में 5 मीटर, यानी जम्मू कश्मीर की तरफ जाएगा 5 मीटर, एंड टर्न लेफ्ट। अब देखो, ये बंदा ऐसे चल रहा है तो आगे की तरफ देख रहा होगा, है ना, तो कल्पना करो कि आप ही खड़े हो, आगे देख रहे हो, तो टर्न लेफ्ट,
अब लेफ्ट में जाना है, ये साइड में लेफ्ट होगा, लेफ्ट में चला गया लेफ्ट, एंड वॉक्स 10 मीटर, एंड वॉक्स 10 मीटर, ये ईस्ट, यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने, ये 10 मीटर चला गया, एंड वॉक्स 10 मीटर। बस देखो, बंदा 5 मीटर नॉर्थ में गया एंड टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट लेके वो 10 मीटर चला। इस तरह से करना है। आगे करते हैं थोड़ा और, अभी आपको ये सारी दिशाएं समझ में तो आ गई होगी, है ना। अब ये देखो, एंगल में भी कभी कभी हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। जैसे बोलेगा 360 डिग्री वो टर्न होया है ना। अब समझ लो, ये बंदा है, ये बंदा इधर देख रहा है नॉर्थ की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ देख रहा है, तो बोला है कि 360 का टर्न लिया है। अगर ये 360 का टर्न लेगा यानी पूरा ऐसा घूमेगा, तो वो तो बिल्कुल वही सेम पोजीशन में आएगा जैसे नॉर्थ की तरफ देख रहा था, तो 360 का टर्न लेके भी वो नॉर्थ की तरफ ही देखेगा, यानी कि उसका सेम पोजीशन होता है। 360 टर्न लेने से उसका सेम पोजीशन रहेगा, जिस तरफ देख रहा है उसी तरफ देखेगा। नेक्स्ट मैं बोलूँ, 180 डिग्री अगर टर्न हो जाए, तो 180 डिग्री से क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट साइड में देखेगा वो, है ना। अब ये बंदे को देख लो, ये अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा होता है, तो ये 180 टर्न का अगर लेगा, ये 180 टर्न अगर ये लेगा, घूमेगा ये, ठीक है, ये 180 टर्न हो जाएगा आधा, तो ये बैक साइड में देखेगा। अभी ये इसका बैक था, अब ये इधर देखेगा, मतलब ये कहाँ देखने वाला है, अभी ये अभी साउथ की तरफ देखेगा ना ये बंदा, है ना, इसका अभी ये साउथ की तरफ देखेगा इधर। अभी नॉर्थ देख रहा था, पर 180 टर्न लेने की वजह से वो अब साउथ की तरफ देख रहा है। फिर बोलेगा, अगर 90 डिग्री टर्न हुआ है, तो या तो लेफ्ट साइड में टर्न होगा या तो राइट साइड में। वो बोलेगा 90 डिग्री किधर टर्न हो रहा है, लेफ्ट में या राइट में, तो आपने उसी डायरेक्शन में उसे टर्न कर देना है, या फिर नेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे कि मैं ये आपको चीज़ समझाता हूँ, देखो ये बंदा अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है, जम्मू कश्मीर की तरफ, अब इसने 90 डिग्री टर्न ले लिया, तो इसका नेक्स्ट डायरेक्शन होगा या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा, है ना, ये नेक्स्ट डायरेक्शन है। तो अगर उसने बोला लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड वाला टर्न हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड वाला टर्न हो जाएगा। इधर देख रहा है नॉर्थ की तरफ, तो 90 डिग्री लेफ्ट साइड में लेके ये अब देखेगा मुंबई की तरफ, वेस्ट साइड में। और अगर बोलेगा कि राइट साइड में टर्न हुआ है 90 डिग्री, तो अब ये देखेगा ईस्ट साइड की तरफ, है ना, मेघालय मिजोरम जो है उधर देखेगा अभी। समझ गए, ऐसी चीज को समझना है। नेक्स्ट है 45 डिग्री टर्न, तो ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट की जैसा टर्न होता है ये। देखो अभी अगर ये इंसान, फिर से मैं बोलूँ कि ये अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है और इसने 450 का टर्न ले लिया, 45 डिग्री टर्न ले लिया, लेफ्ट साइड में अगर लेता है बंदा ये इस साइड में, तो ये अब किधर देखेगा, ये नॉर्थ वेस्ट साइड में देखेगा, ये वेस्ट होता है ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अगर इसने राइट में टर्न ले लिया 45 डिग्री का, तो ये देखेगा नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है। तो ये सारे डिग्री के टर्निंग जो है डायरेक्शन से, उस पर भी प्रॉब्लम आते हैं, और ये अब आपको काफ़ी आसान होगा ये प्रॉब्लम करने में। तो चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ही टर्न्स 90 डिग्री टू द लेफ्ट। सपोज ये बंदा खड़ा था ऐसे, तो अगर 90 डिग्री टूअर्स लेफ्ट बोला है, ये नॉर्थ साइड होगा, 90 डिग्री टूअर्स लेफ्ट, तो ये साइड इसका लेफ्ट होगा, और ये 90 डिग्री के टर्न होने से ये आ गया नेक्स्ट डायरेक्शन पे, इधर होगा मुंबई साइड, तो वेस्ट साइड में आएगा। फिर ये देखो, शी टर्न्स 180 डिग्री टू राइट। जैसे मैं बोलूँ, ये कल्पना करो कि ये अभी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, सभी केसेस में एग्जाम में तो आपको बता दिया जाएगा। अब 180 डिग्री टू द राइट, तो ये तो लेफ्ट हो गया, ये साइड राइट होगी, तो 180 डिग्री से ये बंदा ऐसा पूरा पलट जाएगा, है ना, यानी कि अब ये इधर देखने लगेगा साउथ की तरफ, ये हो गया 180 डिग्री का टर्न। नेक्स्ट बोलेगा, शी टर्न्स 45 डिग्री टू द लेफ्ट। फिर से मैं बोलूँगा कि ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अब 45 इसको लेफ्ट में टर्न लेना, ये साइड लेफ्ट हो गया,
ये 45 डिग्री से टर्न हो गया, तो ये नॉर्थ वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा तो ये वेस्ट साइड होगा, और ये 45 से नॉर्थ की तरफ देखने वाला बंदा इधर देखेगा अभी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉक्स 5 मीटर टू द नॉर्थ। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये चली गई 5 मीटर टू द नॉर्थ एंड टर्न 180 डिग्री टू द लेफ्ट। अब ये बंदा देखो नॉर्थ की तरफ देख रही थी, है ना, तो 180 डिग्री उसके लेफ्ट में टर्न हुआ, अब इधर देख रहा है 180 डिग्री, मतलब किधर टर्न होगा वो, ये यहाँ से लेकर के पूरा ये 180 डिग्री होगा, तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा अभी, यानी आप किधर देखेगा, ये साउथ की तरफ देखेगा। एंड वॉक्स 5 मीटर, फिर से इसने टर्न किया और फिर से ये 5 मीटर चला, ठीक है। तो बोलता है हर पोजीशन, न्यू पोजीशन क्या होगी उसकी, वो तो घूम फिर के वही आ गए ना, यहीं से स्टार्ट किया, नॉर्थ की तरफ चला गया 180 घूम के साउथ की तरफ डायरेक्शन होके, फिर 5 मीटर चला तो ये फिर से अपनी जगह पे आ गया, तो उसका नया पोजीशन क्या है, वही पुराना वाला, वही नया और पुराना सेम ही पोजीशन है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये डायरेक्शन के जो भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हमने किए वो सभी आपको अब समझ में आ चुके होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन करेंगे, ताकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।